तो ये हम हैं, ये हमारी बाइक्स हैं और यहाँ हमारी पारिंग हो रही। इट्स 6 AM और 56,350 किलोमीटर बताना पड़ता है आजकल रिकॉर्ड के लिए। चलते हैं राइड पे। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? हेलो, नमस्ते, जय जोहार। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज है संडे और राइड करने जा रहे हैं हम लोग। यहीं पे मीटिंग पॉइंट है पचपड़ी नागर चौक में। तो भैया लोग आ गए हैं शायद। भैया हंस तो आते हैं। भैया आप 4 बजे 4:45 बजे कहाँ कॉल करते हो? 5:30 बजे बोला था मैंने। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिलिंग पेट्रोल 89.62 रुपीज है रिलायंस पेट्रोल पंप में। 5 लीटर आता है 500 में। और आएगा यार थोड़ा डालो, 500 नहीं हुआ अभी। 100 नहीं हुआ पूरा, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है 100। भैया अरे भैया राजस्थान में 102 रुपए है कार्ड। महाराष्ट्र में भी लगभग उतना ही होगा। महाराष्ट्र में तो बंद कर दी ना भैया, उड़ीसा का बॉर्डर बंद कर दिए। क्या कल न्यूज में आया था? मतलब आप बॉर्डर बंद है क्या? हाँ, छत्तीसगढ़ से अगर आप अगर उड़ीसा जा रहे हो तो बॉर्डर बंद, मतलब आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। अबे यार गड़बड़ हो गया यार। और 7 दिन का क्वारंटाइन महाराष्ट्र में, मतलब आपको जाने के टाइम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महाराष्ट्र अगर आप वापस आओगे तो बंद है फिर वो। अच्छा चलो बाय। प्रांजल भाई है, सब अच्छा हो गया है। इतना अच्छा मौसम है ना, मौसम इतना अच्छा है क्या बताए। अभी इतना गर्मी लग रहा था जब मैं घर से निकला तो रूम के अंदर। अभी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। रात को भैया मुझे भी गर्मी लग रहा था, 2:30 बजे सोया हूँ मैं। 2:30 बजे सोया और 4:45 को कॉल कर दिए। मैं मस्त 4:45 बजे चाय बन के आ गई मेरे रूम में। 4:45 बजे का लगाया था अलार्म। फिर 5 बजे उठा तो अलार्म लगाया था ना। देखो इसी के लिए हम लोग राइड करते हैं, सनराइज देखने के लिए। रोज तो लेट से उठते हैं। मस्त लग रहा है एकदम लाल लाल टमाटर। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोना कोना टेम्पल जो कि धमतरी में है। और यहाँ से लगभग 90-95 किलोमीटर है रायपुर से। तो अभनपुर होके धमतरी होके जाना पड़ेगा आगे। तो आगे चलते हैं आपको और रास्ता बताते जाते हैं और कैसे पहुंचना है, क्या क्या वहां पे देखने लायक है, वो सब चीज़ भी आपको बताते हैं। चलिए चलते हैं। ये जो आप रूट देख रहे हैं ये धमतरी वाला रूट है। तो रूट है अभी कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2-3 साल पहले आया था 2018 में बाइक से, तो भी ये ऐसी भर रहा था, एक साइड भरा था एक साइड नहीं। अभी एक साइड तो खर बन गया कंक्रीट वाला, मतलब 1-2 किलोमीटर ये मिलेगा सही वाला रूट, तो वो 3-4 किलोमीटर मिलता है गद्दा वाला रूट। बेस्ट नहीं है लेकिन ये रोड खराब है, उबड़ खाबड़ ज़्यादा है। तो देखेंगे ये तो कुछ ज़्यादा ही डस्ट डस्ट हो गया यहाँ पे। कोहरा नहीं है गाइज, ये है डस्ट यहाँ का। हम लोग अभी सोच रहे थे धूल नहीं है करके, धूल आ गया। आगे एक डर चल रहा है ना, डंपर डंपर डंपर। आगे देखो बंदा रोड। भैया बोलो तो सही। मैं अपना बचाऊ की बोलू। जहाँ से आप दिखा दो वहीं से दिखा रहे हो आप, कहते कहते पटेगा। डिस्टेंस रखो डिस्टेंस थोड़ा। भैया निकल रहा है तो दबाओ पीछे, दबा बोल लो। शॉर्टकट कभी मतलब जिंदगी में देखो क्या हो गया। हम लोग सोचे ये वाला रूट अभी होगा, ऊपर खाली है, चढ़ गए तो देखो पूरा बोरी बिछा हुआ है, गीला है और एकदम डर लग रहा है मेरे को। तो भैया गाड़ी स्किट हो रही है, स्किट हो रही है ना पूरी। और आगे रास्ता है कि नहीं? All is well. कुछ ज्यादा ही हो रहा है यहाँ पे। क्लच पे इसको मत दबाना नहीं तो ढीलेगा। आया रोड नहीं आया,
आया रोड भैया, चलो ठीक है। रोड था ये भाई, यहाँ पे रुक गए थे, धमतरी पहुंच चुके हम लोग और यहाँ पे सुसु के लिए रुक गए थे, सुसु ब्रेक। चलो अब कुछ खाते, भूख लगी है, 7:30 हो गए हम, बाकी अच्छा स्पीड में है। अपन रुकना नहीं चाहते थे लेकिन रुकना पड़ा। और देखो गाड़ी हालत कैसे हो गई, फायर वायर का देखो, पूरा बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो व्हाइट वाला डस्ट हो गया था। मेरा स्टीयरिंग के लिए जा रहा है तो पीछे भी कोई नहीं बैठा है, ड्राइवर नहीं है कोई, ड्राइवर नहीं है कैसे, वो तो ऐसे ही रहता ना भैया, अब एक डीजल में दो गाड़ी लेके जा रहा है ये। अच्छा अच्छा, यहाँ 90 रुपए रिलायंस कैसे भैया, धीरे धीरे जगदलपुर तक तो 100 रुपए जाने लगते। हाँ ये है पुराना धमतरी रोड, धमतरी रोड, लेकिन भैया दर्द है, इससे बड़ा दर्द है। हाँ ना। अच्छा बढ़िया बढ़िया, देखो मुलाकात हो गई। सब्सक्राइबर बाइक से ज्यादा जानते हैं, लिखा हुआ है इसलिए। हाँ देखो हमको कौन सब्सक्राइबर मिले हैं, लोकेश सिन्हा जी, और आज हमको स्पॉन्सर कर रहे हैं भाई। वाह थैंक यू भैया। नहीं नहीं नहीं, तो धमतरी आया मतलब खातिरदारी कर रहे हैं। चलो अच्छा लगा, अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं? मैं टीचिंग का काम करता हूं, एमएससी। अच्छा ये प्रेम भैया है, मैं आप लोगों का ब्लॉग देख रहा था। हाँ, तो हमारा पोहा भैया, देखो भैया की तरफ से आज पार्टी। थैंक यू भैया। बाल एकदम कैसे हो गए देखो, दिल खुश हो गया पोहा में। तो यहाँ से जो टेम्पल है उनागोरा टेम्पल 25 किलोमीटर है धमतरी से, बस 8:30 बजे पहुँचेंगे, 8:04 हुए हैं, एनर्जी आया थोड़ा, चले भी था, चाय भी ठीक ही था। ऐसे चलते हैं, वो रोड में तो जाके मिले गई, मस्त है यार, यहाँ का मेला स्थल है बालोद का, ये राजा राव पठार, थोड़ा ऑफ रोड कर लेते हैं भैया। भैया क्या कर रहे हो भैया, धीरे दबा बल्लू। भैया टायर खुश कर दिया मुझे, पैसा वसूल टायर है मेरा, टायर तो जबरदस्त है, फ्रंट बस का दिक्कत हो रहा है मेरे में, हाईवे टायर है फ्रंट। चलो अपन यहाँ से उतारते हैं, ऐसे ओके जी। वो कच्चा रोड है क्या, पूरा कच्चा लाल वाला भैया। चलो 5 किलोमीटर दिखा रहे हैं अब यहाँ से, चलो नहीं होगा तो ऑफ रोड हो जाएगा अपना, और क्या, चलो ऑफ रोड ही तो करने आए हैं। सही है, राइड भी ये सब होना चाहिए। जंगल भी है ये तो। हाँ वही तो, पानी आगे है ही, धीरे 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 चलो, दूर उड़ रहे हो आप, थोड़ा दूर ही रहो। फिर बोलो अरे भैया इधर लाल लाल है। गाँव है लगता है ना कोना। चलो गाड़ी तो जाएगी यहाँ तक, कोना कोना टेम्पल के। अरे अरे टिपिकल गांव है तो, टिपिकल। ओहो देखो उधर, ओहो वाह भैया, वोटिंग करेंगे यहाँ से ले उतारे क्या आगे से भैया, मैं तो उतार दिया। अच्छा उधर से ले जाना है, मैं आगे से लाऊं, आगे से ले आओ, फोटो खिंचाएंगे ना आगे। ये है भाई ओना कोना टेम्पल, तो उसका मस्त जबरदस्त शॉट दिखाते हैं आपको। ये एक्चुअली गंगरेल डैम है और बोटिंग होता है शायद। ये गाड़ी यहाँ लगाएंगे, इतना पुराना मतलब इसको बनाया है कि पहले से है, इसको बनाया भैया। ओना कोना टेम्पल अराइविंग एट फिनिश्ड के, बंद हो जाओ, रुक जाना भाई, कैमरा भी ला रहा हूँ ना, कैमरा ड्रोन। वो एक गाँव का लड़का है, वो नाव चलाते हुए नहाने जा रहा है उधर, तो अभी जिस जगह पे आया उसको बोलते हैं ओना कोना टेम्पल। ओना कोना करके एक छोटा सा विलेज है, एक्चुअली टेम्पल को बनाया गया है बाद में, पहले नहीं था, छोटा मोटा कुछ मंदिर रहा होगा उसके ऊपर इसको कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो इसका आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एकदम, और जो पुरातन जो है ना मंदिर
उसके तर्ज पे बनाया गया है। तो भैया कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने गए थे यहाँ शॉप से, पेट अजीब लग रहा है वो खाने के बाद, पोहा खाने के बाद, है ना भैया? तब यार भी लाया गया है। यहाँ का लोकेशन एक नंबर है, शानदार है। तो अभी आपको ड्रोन के थ्रू दिखाएंगे। मेरा आवाज़ थोड़ा दबा हुआ है क्योंकि दो तीन दिन से इतना तबीयत ज़्यादा डाउन था, इसलिए थोड़ा आवाज़ नहीं निकल रहा है। खांसी हो गया, सर्दी हो गया है। इस तरफ पूरा गंगरेल डैम का पानी भरा हुआ है यहाँ पे, और इधर मंदिर और इधर ट्रैक। तो ये हम हैं, ये हमारी बाइक्स हैं, और यहाँ हमारी पावरी हो रही है। भाई ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, स्ट्रक्चर है कोल्हापुरा टेम्पल, इसमें पूरा बनाया गया है जो काम सूत्र वाले टाइप के ना, उस टाइप का है। अंदर अभी कुछ चीज़ का स्थापना नहीं हुआ है, मंदिर का स्थापना होने वाला है यहाँ पे। सब नाम हम लिख दिए अंदर में, देखो एक्चुअली यहाँ पे महादेव जी का ना मूर्ति स्थापित करने वाला है, शिवलिंग। लेकिन अंदर भी देखो कई लोगों ने नाम लिख दिया है, गलत कर दिया है। यहाँ पे भी नाम लिखा है छवि, पप्पू, विनय, सब बकवास चीज़ें कर दिए। इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि इस मंदिर में ना कॉलम नहीं है, एक भी कॉलम नहीं है, बस ये पत्थर से बना हुआ है, मतलब दीवार जैसे ही है, बड़ा सा है कॉलम लेकिन पत्थर जैसे है। 15-18 साल हो गया बोल रहे हैं इसको बने। ये सब है स्ट्रक्चर, सब सीमेंट से है, पत्थर का तराश के नहीं बना है, जो ये सब बना हुआ है मूर्ति इस तरह से पूरा सीमेंट का है, और बालोद के कोई है कारीगर, उन्होंने ही बनाया है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इस जगह को बनाया गया है। इसका कुछ साक्ष्य नहीं है कि पुराना यहाँ पे मंदिर रहा होगा करके, यहाँ पे पुराना मंदिर नहीं था, इन्होंने गांव वालों ने यहाँ पे बनाया है। इधर भी एक कुछ बना हुआ है मंदिर, मंदिर नहीं है शायद, वो जो रहता है ना मंदिर के पास कुछ भवन वगैरह टाइप का, उस तरह का भवन है वो, उसका भी आर्किटेक्ट अलग है, अच्छा यूनिक है। उसका आर्किटेक्ट देखने लायक है क्योंकि आपने देखा भी किस तरह से दिख रहा था, इस तरह से सब स्ट्रक्चर हैं जो कामसूत्र वाले रहते हैं, पुराने मंदिरों में बनता था। भोरमदेव के टेम्पल में भी इस तरह के हैं। तो यहाँ पे और भी राइडर्स लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। इधर आप बोटिंग वोटिंग का मज़ा ले सकते हैं, थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं, जंगल वंगल है पहाड़ जैसे। अभी ऑलमोस्ट 1:15 हो गए हैं, तो धूप काफ़ी बढ़ गई है, तो अगर मॉर्निंग में आते हैं जल्दी तो अच्छा है, तो शाम के टाइम में। भाई साहब हैं जो हमको नाव कराएंगे। भैया क्या नाम है आपका? शिव कुमार भैया हैं जो नाव में बोटिंग कराएंगे। कितने रुपये लेते हो आप? 50 रुपये। अच्छा, हमारे सब्सक्राइबर लोगों के लिए। चलो 50 रुपये में बोटिंग। ये हिल रहा ना पूरा, डरो मत ना आप, डरो मत, मुझे तैरना नहीं। अरे नहीं है, कुछ नहीं होगा, मुझे आता है, बस कैमरा संभाल लेना मेरा। अच्छा यार, देखो नहीं रहा, पानी बहुत क्लियर है, पानी क्लियर है तो है, तो बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप आते हैं घूमने के लिए, मतलब 2-3 घंटे में अच्छे से विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। सस्ता वाला बोटिंग है लेकिन काफ़ी मज़ा आता है, ये ओरिजिनल है, देसी वाला है ना भैया? हाँ, देसी। और यहाँ से देखो मंदिर कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से दूर से। अच्छा स्पीड भी चल रहा है। हाँ, और ये नीचे सब जलकुंभी है। कितना दूर आ गए हैं मंदिर से,
ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आगे आ गए होंगे और ये लगभग 2-3 किलोमीटर का पैच है लंबा। भैया थोड़ा डर रहे हैं, तैरने नहीं आता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप धक्का मारो, धक्का मत मारो, खींचो, मतलब पीछे से डालना पानी में। अच्छा, पीछे ऐसे डालना है क्या? हाँ, ऐसे 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 करना है। हाँ, ओके। बहुत मुश्किल है भैया ये। आ जाएगा अभी ना, इस तरफ करूंगा ऐसे ना, मैं तो मुड़ गया। हाँ, अब इसको सीधा चलाते हैं, ऐसे करना रहता है ना। भैया हिल जा रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। भैया बहुत मुश्किल है, मतलब इनको जिम जाने की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ जिम जाने, इसको ऐसे पकड़ना पड़ता है भैया, देखो। हाँ, चलो ये भी एक्सपीरियंस है। तो गाइस, आपको ड्रोन शॉट कैसा लगा बताइए। बहुत ही मतलब रिस्क लेके इश्क वाला काम किया मैंने। क्योंकि पानी में उड़ाना पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्की लगता मुझे, और बैटरी भी ज़्यादा नहीं था। तो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो कैसा लगता बता दीजिए कमेंट करके यार, क्योंकि कमेंट करना ज़रूरी है, कमेंट बहुत कम आते हैं। सही सही जा रहा है, सीधा सीधा नहीं जा रहा है, अपनी जगह पे खड़ा है। यही गोल गोल घूम रहा है क्या? आ जाएगा धीरे धीरे, अपने को राइडिंग में आता है, बोट राइडिंग नहीं आता। चलो भैया, वो पूरा बैलेंस बनाते हैं, पता है? हाँ, देखो देखो, पूरा बैलेंस बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, वहाँ तक गए थे अपन, देखो। अच्छा, थोड़ा धूप हो गया, शाम के टाइम अच्छा रहता होगा ना? हाँ। शाम के टाइम भीड़ रहते हैं ना आज के दिन। हाँ। तो यहाँ पे देखिए, भैया लोग बैठे हैं, गाँव के नाविक लोग। हम लोग यहाँ पे तारीफ कर रहे थे क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। जैसे गोवा में रहता ना फीलिंग, गोवा में कभी गया नहीं हूँ लेकिन देखा हूँ, बीच रहता है और इस तरह से मतलब सैंड वाला बीच रहता है, बट जो फीलिंग है ना वैसी आ रहा है। अभी थोड़ा क्या गर्मी का सीज़न चालू हो गया, धूप ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से थोड़ा सा धूप लग रहा है, बट काफ़ी प्लेजेंट है, उतना गड़बड़ नहीं है। बाकी इस तरफ भी बीच है, वहाँ पर जाएंगे अपन। ये देखिए भाई, अब हम लोग को कीड़ा काटा है कि ऊपर चढ़ रहे हैं, ट्रैक करना है, तो चढ़ रहे हैं। ऊपर वैसे कुछ है नहीं, समतल ज़मीन है, तो बस एक लोकेशन ऊपर से कैसे दिखता है करके देखने के लिए चढ़ रहे हैं। कोटी में चढ़ के ट्रैक करेंगे तो यही याद आएगा, पत्थर पत्थर वाला ज़मीन है, देखो एकदम। भैया हम लोग साथ जो आएगा ना उसको ट्रैक, ऑफ रोड और बोटिंग सब चीज़ होता है हमारे ग्रुप में, रिपब्लिक राइडर्स। फॉलो इंस्टाग्राम, जिसने आज मिस किया ना बहुत कुछ मिस कर दिया आज। देख के गिर ना जाओ, चढ़ गए फोन। दूसरे के ब्लॉगर्स का ब्लॉग देखते हैं, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ बोलते हैं, लेकिन भाई जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। थक गए यार, इधर पूरे जंगल है, समतल जमीन, यहाँ से ड्रोन उड़ाते ना, जंगल मंदिर बाद में पानी, इतना मस्त लग रहा है। ये देखो व्यू, इधर देखो व्यू, जो भैया बैठे हैं और जो चट्टान, फोटोग्राफी अच्छी होगी इसमें, यहाँ से अच्छा व्यू दिख रहा है, वैसे नज़ारा अच्छा है, जो आंखों से देख सकते हैं ना वो कैमरे में नहीं दिखेगा। हाँ, मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे ना ज़बरदस्त है। अगर आप शाम को 4 से 6 के बीच यहाँ रहते हैं ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं रहेगा और प्लेजेंट वेदर रहेगा। बट मॉर्निंग में क्या हो जाता है, 8 बजे के बाद धूप पड़ जाती है, तो अब तो खड़े नहीं हो पाते खुली जगह पे। यहाँ पे फ़ोटो वोटो लेते हैं फिर नीचे चलते हैं वापस। तो यहाँ पे विज़िट कर लिए, देख लिए, भैया लोग से बात कर लिए, भैया लोग मेरा वीडियो भी देखे, चैनल भी सब्सक्राइब किए, शिव भैया ने चाबी। ओह, पूरा ऑफ रोड है यहाँ पे।
ये आराम से ना पूरा पत्थर निकला हुआ है। भैया 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 ये क्या है? इसी में तो आते हैं बीच है ये करके यहाँ और इसको नहीं देखे तो फिर अधूरा हो जाता है। अभी धूप में फोटो भी नहीं खींचा सकते यहाँ, बस एक राउंड लगा लेते हैं यहाँ पे। देखो डायरेक्ट यहाँ जा सकते हो, पचरी नहीं है यहाँ ऐसे किनारे किनारे जाएंगे तो गंगरेल डैम पहुँच जाएंगे, लेकिन गाड़ी नहीं जाएगी अपनी। देखो कितना मस्त लोकेशन है फोटो खिंचाने के लिए। भैया चट्टान पे चढ़ाए क्या ऊपर गाड़ी? ओके पूरा वीडियो बन गया वीडियो तो फिर फोटो ले लो एक। पारा इधर देखो एक गोटी बचा के बस, और गोटी बचा के अच्छा सिग्नेचर तो जरूरी है आज की राइड का भैया मधुमक्खी याद कर लो मधुमक्खी कांड हो जाएगा भैया। चलो निकलो फटाफट, मस्त जगह भाई, लोग यहाँ पे आ सकते हो, मस्त संडे राइड हो सकता है। अभी 10:37 हो चुके हैं, सो वी आर लिविंग फ्रॉम हियर एंड कितना मस्त दिख रहा है, आपने ड्रोन शॉट पे देखा ही होगा। यहाँ पर लेटर होते हैं तभी उसको बना के रखे हूँ, वैसे यहाँ कायदे से रुकना भी नहीं चाहिए। देखो ना कैसा कभी बिगड़ जाएगा। एक्चुअली हम लोग यहाँ फोटो शूट करने और वीडियो शूट बनाने के लिए आए थे चरामा। चरामा यहाँ से 8 किलोमीटर है, बट इस चरामा का ये जो पॉइंट है ना बस्तर जाने के लिए तो अच्छा जगह था, ज़्यादा दूर नहीं था, 5-6 किलोमीटर था जहाँ से हम लोग ऊना कोना गए थे वहाँ से। और रोड तो एकदम सेक्सी है, एक नंबर है। यहाँ से चलते हैं वापस, अभी लगभग 11:20 हुए हैं, 2 घंटा लगेगा, 17 मिनट। बहुत सारी गाड़ियाँ और ट्रक्स आ रहे थे इसलिए ना बहुत टाइम लग गया फ़ोटो वोटो खिंचाने में, क्योंकि खाली जगह में लेना था हम लोग को, बट गाड़ियाँ इतनी सारी थी क्या करें। बाकी आप ऊना कोना जब भी आते हैं तो मात्र यहाँ से 100 किलोमीटर समथिंग कुछ है रायपुर से, तो आप जो पुराना वाला धमतरी रोड है उससे मत आना, नए वाले से ही आना, क्योंकि वहाँ पर वन वे रहता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है, ट्रैफिक भी रहता है और उबड़ खाबड़ रोड है, रोड भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन नए वाला भी रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट यू कैन राइड। ये बारिश के टाइम तो मज़ेदार रहता है भैया, एकदम हरा भरा दिखता है ना ग्रीनरी, रोड के किनारे किनारे है, मज़ा आ जाता है। आप वो गेटू के कर गए थे, इसी रोड से आए थे ना? हाँ वापस इसी, मैं जब भी इधर से रिटर्न गया हूँ रात को ही गया हूँ। अब सुबह सुबह तो आ रहे थे, बढ़िया नज़ारा था और सनराइज हो रहा था। अभी देखो भाई ऐसा लग रहा है, वो आता है ना ग्लूकोज वाला सन ऐसे खींचते रहता है तो वैसे लग रहा है मेरे को, इतना धूप है। हाँ ग्लूकोज 12:15 हुआ है, अभी 1 घंटा और लगेगा शायद। और रोड देख के तो भाई साहब क्या बोलो, मत पूछो भैया मत पूछो। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था भैया, ओवरऑल अच्छा था, इतना तो होता ही राइड पे यार। वार्थ दिट है। फिर अच्छा रोड आ गया देखो, तो इसको फिर खींचेंगे फिर खराब रोड आएगा, फिर धीरे धीरे चलेंगे तो बैलेंस हो जा रहा है। ये क्रिस्टा वाला कब से अपने आगे आगे चल रहा है, भैया तो ओवरटेक कर लिए हैं, मैं बस ओवरटेक करने वाला हूँ, लेकिन वो जो बंदा है ना फोन में बात कर रहा है और गाड़ी चला रहा है इतना इतने लोग बैठे हैं गाड़ी में और फोन में बात भी कर रहा है। जब से साला माशा करके रखा है। हाँ बेटा तू इधर, तेरे को आगे आने दूंगा नहीं मैं, निकल गया आगे निकल गया, उसको निकलने नहीं दिए।